सुबह सुबह गोरी अपने बड़े से घर के गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। सुबह सुबह काजी हलवा के साथ पौधों को पानी देने में कितना अच्छा लगता है। अभी तो करवा चौथ में 2 हफ्ते बाकी है, तब तक इन पौधों में फूल भी आ जाएंगे। गोरी ऐसा बोल ही रही थी तभी कहीं से धुआं उसके गार्डन में आ जाता है और वो खांसने लगती है। ये क्या हो रहा है, इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? मुझे पता है ये धुआं कहाँ से आ रहा है। घमंड में चूर अमीर गोरी कवीर अपना पैर पटकते हुए सामने के गरीब टूनी के घर पहुंच जाती है, जहां आंगन में मिट्टी का चूल्हा डालकर गरीब टूनी धुएं से खाना बना रही थी। अरे गोरी बहन, आप हमारे घर में अचानक, आप चाय के टाइम पर आई है, चाय पीकर ही जाइएगा। मैं और तुम्हारे घर पर गंदा चाय पीऊंगी? ज्यादा दूर के ख्वाब नहीं देख लिया तुमने? मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुमने ये जो चूल्हे में खाना बनाने का तामझाम लगा रखा है ना, उसके कारण सारा का सारा धुआं मेरे घर पर आ रहा है। हाँ, वो हवा चल रही है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत धुआं आपके घर में चला गया होगा। कैसे गरीब लोग हो तुम, गैस का कनेक्शन भी करवाया नहीं जाता क्या? परेशान करके रखा हुआ है। इतने में टूनी की सास बाहर आ जाती है। अरे सुनो गोरी, हम तुम्हारे जमीन में नहीं बसे हुए हैं, जो तुम मेरी गरीब बहू को इतना सुना रही हो। हम गरीब है तो क्या, हमारी इज्जत नहीं है क्या? जाने दीजिए ना माँ जी, आप अंदर चलिए। टूनी अपनी सास को अंदर ले जाती है और इधर गोरी बड़बड़ करते हुए अपने घर आ जाती है। ये 2 टके की चिड़िया पता नहीं खुद का क्या समझते हैं, औकात 1 पैसे की नहीं होती और बातें ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं, गरीब टूनी की बच्ची मुझे अपनी सास से बातें सुनवाई है ना, मैंने भी इसको दिन में तारे न दिखाए तो मेरा नाम भी गोरी नहीं है। टूनी गरीब घराने की चिड़िया थी जिसमें सास ससुर पति और 2 बच्चे थे। टूना 200 की दिहाड़ी पर काम किया करता था जिसमें महीने भर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। देखते देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है, बाजारों में चहल पहल छा जाती है। दादी माँ, आज आपने टहल के आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ बेटी, त्योहार के चलते आज भीड़ भाड़ ज्यादा थी। हाँ देर तो होगी। दादी माँ, करवा चौथ आने वाला है ना, माँ भी बाबा के लिए करवा चौथ रखती है। माँ तो बाबा को कुछ बोलती नहीं है खरीदने को, इस बार बाबा को बोल दूंगी माँ के लिए लाल चुनरी दिलवाने के लिए। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी कहती है, अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मुझे चुनरी नहीं चाहिए, मेरे पास चुनरी रखी हुई है, उसी को ओढ़ लूंगी। वैसे खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। ये बात टूनी के ससुराल वाले भी जानते थे कि टूनी अपनी मन की इच्छा को मार रही थी। तभी थका हुआ टूना भी आ जाता है और सब जने बैठकर रूखा सूखा खाते हैं। वहीं अमीर बहू गोरी जोरों शोरों से करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। जेवर वाले, साड़ी वाले स्पेशली उसके घर सारे गहने दिखाने आए हुए थे। ये देखिए बहू रानी, एकदम नए डिजाइन की गहने आई है। नहीं नहीं, ये गहने मैंने पिछले साल खरीदी थी, कुछ हटकर दिखाइए और थोड़ी महंगी भी, जिसको देखकर लगना चाहिए कि अमीर बहू का करवा चौथ है। तभी तो मजा आएगा उस गरीब टूनी को नीचे दिखाने में और चलवाने में। अरे गोरी बहू, तुमने उस बेचारे साड़ी वाले की सारी बंडल खुलवा रखी है, अभी भी तुझे पसंद नहीं आ रहे है, त्योहार का समय है, जल्दी पसंद कर ले। गोरी साड़ी पसंद करती है। वहीं गरीब टूनी के घर में, टूना जी थोड़े पैसे दे दीजिए, कल करवा चौथ है, पूजा का सामान लेना है। हाँ रुको देखता हूँ। ये लो टूनी, सिर्फ 100 रुपए है। तुम भी सोच रही होगी कैसा गरीब पति मिला है, जो करवा चौथ में भी तुम्हें खर्च नहीं दे पाता हूँ। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझती हूँ आप कितनी कठिनाइयों से घर चलाते हैं, और मेरा सजना सवरना तो आपके लिए ही है, मैं इतने में ले आऊंगी सामान।
टूनी गरीब परिस्थिति के चलते अपने लिए कुछ न खरीद कर केवल चढ़ावे का सामान करवा छन्नी और थाली खरीद कर घर लौट आती है। इधर गोरी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। माँ जी, क्यों नहीं इस बार करवा चौथ के पूजा में अपनी पड़ोसन टूनी को भी बुला ले, जहाँ सब आते हैं वो भी आकर करवा चौथ मना लेगी। ये सुनकर गोरी की सास खुश होकर बोली, आज तुमने बहुत सही फैसला लिया है बहू, मैं जाकर न्योता दे आती हूँ। इसी तरह से करवा चौथ का दिन आ जाता है। गोरी पार्लर से महंगा मेकअप करवाती है, वहीं गरीब टूनी बस चुनरी ओढ़ लेती है। तभी दोनों बच्चे टूनी के साथ जाने की जिद करते हैं। मम्मा, हमें भी गोरी आंटी के घर ले चलिए। हाँ माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, पर दोनों शरारत मत करना, चलो। जैसे ही टूनी दोनों बच्चों को लेकर पहुंचती है तो वहाँ जंगल के अमीर चिड़िया मौजूद थी। तभी रानी कबूतरी गोरी की बनावटी तारीफ करती है। वैसे मानना पड़ेगा गोरी, आपकी चुनरी, मेकअप, गहने हर साल करवा चौथ पर हटकर होती है। इस बात पर गोरी बोलती है, वो तो होगी ही, पूरे एक लाख के गहने है, स्पेशल करवा चौथ के लिए बनवाई है। 1 लाख के गहने है, तभी तो इतनी सुंदर है। अब हम जैसे अमीरों के लिए क्या सस्ता क्या महंगा, जिस चीज पर दिला गया वो खरीद लिया। अब सबकी किस्मत तुम्हारे जितना गरीब थोड़ी ना है टूनी। ऐसे ताने मारते हुए गोरी टूनी की गरीबी का उपहास करती है। वैसे भी अभी पूजा में समय है, तो आप सभी सोफे पर बैठ जाइए। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। टूनी सोफे पर बैठने ही वाली थी तभी, अरे अरे टूनी, तुम कहाँ चली, तुम्हें बैठने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, जाओ जाकर सभी के लिए चौसले कर आओ। गोरी, ये तो तुम्हारी गरीब पड़ोसन है ना, तुमने इसे घर में काम पर रख लिया है क्या? है बहन, ऐसे ही समझ लो। ये सुनकर टूनी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। अब उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि गोरी ने उसे अपमानित करने के मकसद से बुलाया था। निर्जला व्रत में भूखी प्यासी होकर टूनी सबको जूस लेकर देती है। पूजा खत्म होने के बाद टूनी के दोनों बच्चे भोलेपन से मिठाई उठा लेते हैं। ये मिठाई देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तभी गुस्से में तिल मिलाकर गोरी वहाँ आ जाती है और बच्चों को जोरदार थप्पड़ मारकर मिठाई छीन लेती है। दो कौड़ी गरीब के बच्चे, आखिर तुम लोग अपने जाति खा ही देते हो, अपने घर पर तो ये सब खाने को मिलता नहीं होगा। मम्मा, गोरी आंटी ने मुझे थप्पड़ मारा, आंटी बहुत गंदी है, चलो यहाँ से चलो। अपने बच्चों के आंखों से आंसू बहता देख टूनी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे नहीं मालूम था, मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। जितने बड़े घर की तुम बहू हो, उतना ही तुम्हारा दिल छोटा है। गोरी, चाहे तुम कितना भी आलीशान पूजा कर लो, लेकिन जब तक किसी के लिए मन में मैल रखोगी, इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। आज तुमने हद ही कर दी गोरी बहू, तू नहीं सुधर सकती, तूने साबित कर दिया। चल गोरी, हम भी चलते हैं, हम अपने घर में ही पूजा कर लेंगे। टूनी के बाद सभी चिड़िया एक एक कर अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद गोरी को पछतावा होता है। जबकि गरीब बहू अपने पति के साथ अपने आंगन में ही चांद को देखकर व्रत खोलती है। वहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ था। गोरी को उस पर एहसास होता है कि टूनी गरीबी में भी कितना खुश थी और वो अमीर होकर भी अकेली और दुखी थी। टूना रामपुर के जंगल में रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। टूना और उसकी पत्नी टूनी दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। उनके पड़ोस में रज्जो नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसीलिए टूना और टूनी ने उसकी अच्छे से सेवा की।
और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब उसने कहा, टूना बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस कुकर के, ये तुम ले लो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़ी ना की जाती है। ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे उससे पहले एक बात जरूर कहना। सुन मेरे कुकर, तुम सबसे ऊपर, जल्दी से मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु चिड़िया ने दिया था और कहा था जब भी तुम किसी बेसहारा की मदद करोगी तो ये कुकर अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारे की कभी कोई मदद नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना, जब तुम किसी की मदद करोगे ना तब ये कुकर चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही रज्जो चिड़िया चल बसी। टूना और टूनी ने उस चिड़िया का अंतिम संस्कार कर वो कुकर रज्जो का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। टूनी हमेशा की तरह अपने रोज की बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो टूना जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था, लेकिन कुछ दिन से लगातार भारी बारिश हुई जिसकी वजह से टूना लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। टूनी, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में अब जंगल कैसे जाएंगे? और जंगल चले भी गए तो हम गीली लकड़ियों का करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, पर हमारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, मैं उन्हें खाने में क्या दूँ? तभी टूना के मन में ख्याल आता है। टूनी, मैं नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। इतनी बारिश में तो नदी भी बढ़ गई होगी और मछलियाँ आसानी से जाल में फंस जाएगी। यदि बिक गई तो ठीक, नहीं तो उन्हें पकाकर खा लेंगे। टूना बिना देरी किए अपने पड़ोसी बंटी कबूतर से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। नदी में पहुंचकर जैसे ही वो नदी में जाल डालता है तो काफी सारी मछलियां जाल में आ जाती है। फिर टूना मछलियों को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठा ठंड से कपकपाते रो रहा है। टूना उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी पत्नी को कुछ खिला पाऊँ। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मेरे घर में भी आपके घर जैसा हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरी पत्नी की जान जरूर चली जाएगी। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? आपका बेटा या कोई और? नहीं है बेटा, मैं और मेरी पत्नी ही हैं। एक बेटा था लेकिन कुछ साल पहले वो भी हमें छोड़कर चला गया। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे घर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर चलकर क्या करूँगा? बाबा, ये लो, ये मछलियाँ आप ही रख लो। इसके बाद टूना घर लौटते समय कुछ साग की पत्तियाँ तोड़ लेता है
और साग के पत्तियों को टूनी को देते हुए कहता है, टूनी मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, ये कुछ पत्ते साग के तोड़कर लाया हूँ। जी लाओ, कुछ नहीं तो यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इसे बनाएंगे किसमें, हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। और वो कुकर कब काम आएगा जो रज्जू काकी ने दिया था, उसी में जल्दी से पका लो। टूनी अलमारी से कुकर निकालकर उसे धोकर साग पकाने के लिए रख देती है। तभी टूना को रज्जू काकी की वो बात याद आती है और रसोई घर में जाकर कुकर के सामने बोलने लगता है, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे, आज मेरा राजमा चावल खाने का बहुत मन है। ये कहकर टूना बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही टूनी ने कुकर का ढक्कन खोला तो उसमें स्वादिष्ट राजमा चावल भरा हुआ था। अरे सुनते हो जी, जल्दी आओ, ये देखो कितनी स्वादिष्ट राजमा चावल बनी है। टूना और बच्चे जल्दी से रसोई घर में आते हैं और ये चमत्कार देखकर टूना कहता है, इसका मतलब ये सच में जादुई कुकर है। इसके बाद टूना अपने परिवार के साथ भरपेट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी खाना खाने का मन करता, टूनी कुकर को धोकर चूल्हे पर चढ़ाती और अपने मन पसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवान की खुशबू आने से उनके पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से कहता है, इस टूना के घर से हर रोज तरह तरह के खाने की खुशबू आती रहती है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो हर रोज तरह तरह के पकवान खाने लगे हैं? हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखने लगे और उनको इस राज का पता चल जाता है। अच्छा ये माजरा है, हमें तो ये कुकर किसी बिहार में अपने पास लाना है। कालू और गोरी मिलकर उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं। और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी कालू और गोरी टूना के घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। कालू जी अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, जल्दी से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ गोरी जल्दी करो, मुझसे भी अब रह नहीं जा रहा। गोरी जल्दी से कुकर को चूल्हे में चढ़ाकर कहती है, अरे ओ मेरा कुकर, तू सबसे ऊपर, चल जल्दी से मेरे मन का खाना ला। फिर गोरी अपने मन पसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी देर में कुकर काला होने लगता है और कुछ ही देर में कुकर फट जाता है जिससे दोनों को चोट आ जाती है। आवाज सुनकर टूना और टूनी भागे भागे आते हैं तो जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए कुकर को देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही टूनी उस कुकर के टुकड़ों को उठाती है तो वो वापस से जुड़कर पहले की तरह चमत्कारी कुकर बन जाता है। अब कालू और गोरी को सारी बातें समझ आ गई थी। मुझे माफ कर दो टूना भाई, मैं ये कुकर लालच में आकर चोरी करके ले आया और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे, हमें माफ कर दो टूना और टूनी। फिर टूना और टूनी अपने कुकर को अपने साथ लेकर आ जाते हैं और हर रोज उससे तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। अजी मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और टूनी, मुझे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज रात के लिए वहाँ पर रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद टूना और टूनी उस जंगल में आकर एक पेड़ के डाली में बैठ जाते हैं। अजी अब क्या करें, क्या हम ऐसे ही रात भर पेड़ के डाली में बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है जल्द ही मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। ये जंगल तो हमारे लिए नया है,
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चिड़ियों के घर दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। रात की रात जैसे तैसे गुजर जाए। कल मैं इसी जंगल में हमारे लिए घोंसला बना लूँगा। टूनी और टूना निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद एक पेड़ पर उन्हें घोंसला दिख जाता है। दोनों उस घोंसले के पास आ जाते हैं। टूना घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुमको जानता हूँ? कबूतर भाई, मैं टूना हूँ और ये मेरी पत्नी टूनी। हम बहुत दूर से उड़ के आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था और हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे करके जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। मेरी पत्नी पेट से है और जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या आज रात के लिए हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें एक कबूतरी रोक लेती है। अरे अरे रुको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्या जी, आप ऐसे ही किसी भी एरीगेरे को अंदर आने देंगे? ये तुम क्या बोल रही हो कबूतरी, ये दोनों मुसीबत में हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो ये इनकी परेशानी है, न कि हमारी। एक तो घर पे रहने के लिए जगह नहीं है और न ही खाने का अनाज। अगर इन्हें घर में जगह देंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। इतना बोलकर कबूतरी घर का दरवाजा लगा देती है। टूना जी, अब हम क्या करें? चलिए हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद पास के एक चिड़िया का होटल के पास रुक जाते हैं। अरे टूनी, ये देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो हम इसी होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। टूना दरवाजा खटखटाता है। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़ के आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे तुम्हारी आप बीती सुनने की जरूरत नहीं। तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। बस तुम्हें एक दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया। अगर देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल के मकान भी नहीं मिलेंगे। चलो जाओ यहाँ से। बहन जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस आज रात के लिए रुकने दो, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता? ये एक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं, जो मैं ऐसे ही किसी को फ्री में रहने दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं क्या खाऊंगी? अब जल्दी से अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी और टूना वहाँ से निकल जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। टूनी, इस जंगल के चिड़िया तो बहुत ही अजीब है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम लोग कौन हो और इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों बैठे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? टूना सारी बात कालू कौवे को बताता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? टूना की बात सुनते ही कालू सोचने लगता है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मोटी कमाई हाथ में लगी है। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे भाई, आप कहाँ खो गए? क्या हुआ? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को मैं मिल गया। ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से, मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा वहाँ से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे टूनी और टूना भी चले जाते हैं। अजी, क्या हम इस चिड़िया पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोले दूंगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू उन दोनों को एक घोंसले के पास लेकर आता है। अरे भाई, आप हमें कहाँ लेकर आ गए? अरे तुम दोनों डरो मत, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ।
इसलिए इस जंगल में मेरे बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन बाहर बारिश में रहने से तो अच्छा ही है। तुम दोनों आज रात के लिए इस घोंसले में रह लो। तुम जितने दिन चाहो इस घोंसले में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बहना, अब तुमने मुझे भैया कहा है। अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से दरवाजा लगा देता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं और वो रात को शिकार करते हैं। अगर वो यहाँ आ गए तो वो बाहर से तारा देखकर यहाँ से चले जाएंगे। अब जल्दी से अंदर जाओ, मैं तारा लगा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी और टूना जैसे ही अंदर जाते हैं, कालू बाहर से घोंसले को ताला लगा देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे वाह वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। इतने दिनों बाद इतनी आसानी से शिकार मिल गया। अब सीधे शिकारी चील के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मुझे इन दोनों के बदले मोटी अनाज मिलेगा। कालू कौवा अपने ही धुन में जा रहा था, तभी मीनू मौसी ने घोंसले की खिड़की से कालू को जाते देख लेती है। अरे ये कलमुहा कालू इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है, और रात भी काफी हो गई है। कहीं पिछली बार की तरह किसी चिड़िया को अपने घोंसले में बंद करके तो नहीं रखा। मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। मीनू मौसी अपने घर से निकलकर कालू कौवे के घोंसले के पास आ जाती है और आकर देखती है तो घोंसले के बाहर ताला लगा है। अरे यहाँ तो ताला लगा है, मुझे एक बार घोंसले में झांक कर देखना चाहिए। अरे बाप रे, मेरा शौक सही था, यहाँ पर तो सच में दो चिड़िया है। इससे पहले कि कालू किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आए, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। मीनू मौसी किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में माहिर थी। उन्होंने इसी खूबी से ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, टूना और टूनी जाग गए। अरे आप कौन हो, आप अंदर कैसे आ गए, हमें नुकसान मत पहुंचाओ, मेरी पत्नी पेट से है। अरे चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ, अब जो मैं कहती हूँ उसे चुपचाप सुनो। थोड़ी ही देर में कालू कौवा एक शिकारी चील को घोंसले के पास ले आता है। अरे ओ कालू, जल्दी से ताला पे चाबी लगा और दरवाजा खोल, अब रहा नहीं जा रहा। दरवाजा खोलने के बाद चील अंदर चला जाता है। अरे ओ कालू के बच्चे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जरा अंदर आके मोमबत्ती जला। जैसे ही कालू कौवा अंदर आता है तो मीनू टूनी और टूना तीनों कालू कौवे और चील पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे, ये कौन मार रहा है हमें, बचाओ बचाओ, कालू के बच्चे तुमने मुझे फंसा कर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों मिलकर दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर ताला लगा देते हैं। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपने हमारी जान बचाई है। मेरा नाम मीनू है, मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ, इसीलिए सब मुझे प्यार से मीनू मौसी बुलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मीनू मौसी, अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। अजी फिर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मीनू मौसी टूना और टूनी को अपने घर ले जाती है। टूनी वहाँ पर दो प्यारे प्यारे अंडे देती है। दूसरे दिन टूना पास वाले पेड़ पर एक घोंसला बना लेता है और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।